नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ महोत्सव कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया शुभारंभ, कलाकारों ने बिखेरी जलवा, भाजपा नेताओं सहित जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा दिनांक 18 से 22 सितंबर 2024 तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ में आयोजित होने वाले आजमगढ़ महोत्सव 2024 का आज भव्य शुभारंभ किया गया। मंत्री जी ने कहा कि इस महोत्सव का समस्त जनपदवासी भरपूर आनंद लें और महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की कला, संस्कृति एवं इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए आजमगढ़ महोत्सव एक बहुत बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के पौराणिक धरोहरों को सजाने के लिए आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मंच है जहां स्थानीय कलाकारों को भी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मंत्री जी ने महोत्सव में जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे उन सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई दी। इसी के साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को भी महोत्सव के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि आजमगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आजमगढ़ महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया जा रहा है। यह महोत्सव 18 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही इस महोत्सव में देश प्रदेश एवं जनपद के इतिहास, संस्कृति, धरोहर एवं कला को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ ही प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में आजमगढ़ महोत्सव में आकर महोत्सव को सफल बनाएं। आजमगढ़ महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रथम दिन विजय प्यारे, विजय लक्ष्मी गुप्ता, अरुण सिंह, अनाड़ी, नंदिनी गौड़ द्वारा लोक गायन मुकेश कुमार एवं दल अयोध्या उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा फरवही कहरवा लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति की, कुमकुम आदर्श की अद्भुत सराहनीय कथक समूह नृत्य प्रस्तुति हुनर संस्थान आजमगढ़ के कलाकारों द्वारा गणेश वंदना एवं आजमगढ़ महोत्सव थीम सांग पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति की, आराधना सिंह द्वारा लोक गायन की प्रस्तुति हुई, राजस्थानी डांस ग्रुप की प्रस्तुति एवं साधु बैंड के कलाकारों द्वारा जोरदार प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, मुख्य विकास अधिकारी परिचित खटाना, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। संवाददाता अमित खरवार के साथ अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। पौराणिक काल से इसकी एक सांस्कृतिक महत्व रहा है और यहाँ अनुसुईया माँ के तीन पुत्र दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी और दत्तात्रेय महाराज का तीनों के आश्रम रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की को आगे बढ़ाए जाने में और साधना की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। तमसा तक पर उन्होंने तपस्या किया और तपस्वी के रूप में इस देश का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ यहाँ की हमारे बहुत बड़े कवि हरिओम साहब रहे, जिनके नाम पर योगी जी की सरकार ने यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया, हरिओम कला केंद्र। इसके साथ साथ हरिपुर के भीतर संगीत और कला की एक पूरी उनका एक विरासत ही रही है, उसका घराना रहा है, उस घराना के उस कला को और आगे बढ़ाया जाए। इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका एक महाविद्यालय का शुभारंभ कराया और यहाँ पर कैफी आजमी साहब, सबाना आजमी और ऐसे तमाम ऐसे राहुल संस्कृत साहब ऐसे साहित्य और कला के क्षेत्र में हमारे लिए आजमगढ़ की पहचान फिल्मों की दृष्टि से काफी आगे बढ़ाई है और विस्तार में जाने जरूरत है। यह आजमगढ़ बहुत सौ बहुत बड़ा योगदान करता है और नौ
आगंतुक जिलाधिकारी श्री नवीन सिंह चहल जी, पुलिस अधीक्षक मीना साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ और फूलपुर परिषद, ब्लॉक प्रमुख श्री अनुराग सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आजमगढ़ जनपद के विभिन्न अधिकारीगण, देखिए आजमगढ़ में पौराणिक काल से इसकी एक सांस्कृतिक महत्व रहा है और यहाँ अनुसुईया माँ के तीन पुत्र दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी और दत्तात्रेय महाराज का तीनों के आश्रम रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की को आगे बढ़ाए जाने में और साधना की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। तमसा तट पर उन्होंने तपस्या किया और तपस्वी के रूप में इस देश का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ यहाँ की हमारे बहुत बड़े कवि हरिओम साहब रहे, जिनके नाम पर योगी जी की सरकार ने यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया, हरिओम कला केंद्र। इसके साथ साथ हरिहरपुर के भीतर संगीत और कला की एक पूरी उनका एक विरासत ही रही है, उसका घराना रहा है। उस घराना के उस कला को और आगे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका एक महाविद्यालय का शुभारंभ कराई और यहाँ पर कैफी आजमी साहब, शबाना आजमी और ऐसे तमाम ऐसे राहुल संस्कृतायन साहब, ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले रहे हैं। हमारे दिलेश लाल निरहुआ ने भी आजमगढ़ की पहचान फिल्मों के दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ाई है, तो उसे और विस्तार दिए जाने का ज़रूरत है और उसमें यह आजमगढ़ बहुत अपना बहुत बड़ा योगदान करता है, स्थानीय कलाकारों को उभारने का, कलाकारों को उभारने का और ग्रामीण शिल्पकारों को भी उनके शिल्प का प्रदर्शन करने का। और जो यहाँ की साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियों का एक तरीके से महत्वपूर्ण केंद्र है मुबारकपुर, तो इन सब चीज़ों को उभारने का यह एक अवसर मिलता है और पूरी आजमगढ़ की जनता के माध्यम से ये अन्य अपने पूरे प्रदेश के भीतर और देश के कोने कोने में जा पाता है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत आजमगढ़ वासियों को आजमगढ़ महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएँ देता हूँ, जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सविंद्र राय जी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस आजमगढ़ महोत्सव को यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।